तो आवेश वितरण ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला आवेश वितरण है रेखीय आवेश वितरण, जिसकी परिभाषा यहाँ लिखी है। रेखीय यानी एक विमीय वस्तुओं के लिए इसे उपयोग किया जाता है, जैसे कि तार, पतली छड़ या चाप। तार पे आपने आवेश को वितरित किया, मतलब आवेश कैसे फैला है, रेखा में फैला हुआ है। छोटी पतली छड़ हो गई, मतलब कि रॉड हो गई, या फिर चाप यानी आर्क हो गई। इन सब में जो आवेश का वितरण होता है वो रेखीय होता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक तार बनाए तो आप देख सकते हैं यहाँ एल लंबाई का एक तार है जिस पे क्यू आवेश को वितरित किया गया है। इसके मापन के लिए जो टर्म बनाया गया है यहाँ पे वो कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं इसको? रेखीय आवेश घनत्व। इसकी परिभाषा यहाँ दे रखी है लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, ठीक। और लैम्डा का जो मात्रक है वो है ऑब्वियसली चार्ज के लिए कूलाम, लंबाई के लिए मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर इसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो लैम्डा बराबर क्यू बाय एल है, इससे क्यू का मान आप निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू एल। लेकिन ये कब निकालेंगे? जब आवेश को एक समान रूप से वितरित किया हो, हर जगह आवेश का वितरण बराबर हो। लेकिन किसी प्रश्न में अगर आवेश को असमान तरीके से वितरित किया जाता है, यानी तार में किसी हिस्से में ज्यादा आवेश है किसी हिस्से में कम आवेश है, तो उस केस में यदि असमान आवेश वितरण हो तो फिर हम q बराबर लैम्डा एल ना यूज करके एलिमेंट में लेते हैं डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल। और आवेश अगर आप ज्ञात करना चाहें तो आपको फिर समाकलन करना होगा q बराबर इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर समान वितरण है तो q बराबर लैम्डा डी एल होगा, असमान वितरण है तो क्यू बराबर समाकलन लैम्डा इंटू डी एल। अधिकतर प्रश्न नीचे वाले से ही बनते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो उसमें इससे काम हो जाएगा। तो इसे आप लिख लीजिए रेखीय आवेश वितरण के बारे में, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। फिर मैं इसका एक प्रश्न आपको करके बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं। ये पहला प्रश्न आपके सामने है। एक तार बनाया है ए बी, आप इसमें देख सकते हैं इस तार के अनुदिश आवेश का वितरण किया गया है। एक्स बराबर जीरो से लेकर एक्स बराबर एल तक ये तार बना है। यदि तार ए बी पर आवेश घनत्व लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स हो तो तार ए बी का कुल आवेश आप ज्ञात करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए ए बी लंबाई का हमने एक तार बनाया, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। मान लीजिए इस चित्र में करके दिखाऊं एक बार आपको, तो यहां पर एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया है डी एक्स, क्योंकि जो वेरिएबल है, जो मान बदल रहा है हमारे समीकरण के अंदर, एक्स बदल रहा है, तो मैंने डी एक्स लंबाई का एक छोटा सा यहाँ पे भाग ले लिया है। मूल बिंदु से इसकी दूरी को मैंने एक्स मान लिया है। ये एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होगा? जीरो से लेकर के एल तक एक्स का मान परिवर्तित होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ेगा लैम्डा भी बढ़ता जाएगा। एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ेगा रेखीय आवेश घनत्व का मान बढ़ रहा है, यानी मूल बिंदु के पास एक्स जीरो है तो यहाँ आवेश भी जीरो है। अब जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर आवेश का घनत्व बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पे आवेश का वितरण असमान है। असमान होने का मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्यू बराबर इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू डी एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और वेरिएबल यहां पे एल के स्थान पे क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। तो बस लैम्डा आपको दिया ही है, डी एक्स का मान डी एक्स रहेगा, लिमिट जीरो से लेके एल तक इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये समीकरण ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट डी एक्स, लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स शून्य से लेके एल तक, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं जो मैंने वहां पर लिखा है फॉर्मूला लगा करके सीधा वैल्यू पुट करी है वही यहाँ पे भी किया गया है। और समाकलन करना आपको आता ही है, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा दो हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे तो हल करने पर ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो ये पहला प्रश्न बहुत ही आसान। देखो आंसर पे आप फोकस ना करें, आप तरीका देखें। यहाँ x था यानी x के साथ साथ लैम्डा का मान परिवर्तित हो रहा था, इसलिए हमने क्या करा है लैम्डा के स्थान पर लैम्डा नॉट x की जो वैल्यू प्रश्न में दी थी वो यहाँ लाके हमने पुट कर दी है। फिर समाकलन जीरो से एल तक इसका कर दिया है क्योंकि लंबाई ऐसी दी हुई थी, कुछ और लंबाई होती
तो सीमाएं परिवर्तित होती, समाकलन का आंसर कुछ और आ जाता। पर आप देखो, सब कुछ शुरू हुआ यहाँ से। ये जो अपने पास इक्वेशन थी वही मैंने इस प्रश्न में यहाँ पे उपयोग में ली है। तो इसको नोट कर लेंगे आप और अब आगे बढ़ेंगे। अगला घनत्व है पृष्ठीय आवेश घनत्व। नाम से मालूम चल रहा है और चित्र से भी मालूम चल रहा है कि ऐसे आकार की वस्तुएं जिनमें लंबाई भी हो और कुछ चौड़ाई भी हो, तो उसमें एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और उस क्षेत्रफल पर पूरे आवेश का वितरण किया गया है। तो ऐसे आवेशों को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा भी है द्विविमीय वस्तुएं, यानी पृष्ठ वाली वस्तुओं के लिए इसको उपयोग करते हैं। उदाहरण हो गया चकती या शीट या चादर आदि। और जैसे लैम्डा बराबर क्यू बटा एल था, सिग्मा बराबर क्या है? क्यू बटा ए। ठीक है, तो ये क्यू बटा ए सिग्मा का आपका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। और वही वाली बात है, क्यू का मान निकालना है तो सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे। अगर असमान वितरण हुआ है तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए कर देंगे। आंसर आपका समाकलन करने से आ जाएगा। यानी क्यू निकालना हो तो फिर अब पहले की तरह इसका डी ए का मान निकालना, सिग्मा का वैल्यू पुट कर देना, समाकलन कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसके बारे में भी आप लिख लें और इसका भी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ये देखिए, यह एक आर त्रिज्या की चकती है जिसमें सिग्मा का मान आपको दिया गया है और स्मॉल आर केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहां तक का आप आवेश ज्ञात करना चाहते हैं। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐसा मानेंगे कि ये जो चकती है ये छोटे छोटे वलयों से मिलके बनी है, छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी है। मतलब ये पूरी चकती छोटी छोटी रिंग से मिलके, कई सारी रिंग से मिलके बनी है। अब सारी तो हम ले नहीं सकते यहाँ पर रिंग्स, तो हम कोई भी अपनी मर्जी से एक रिंग रख लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। अब जो एक रिंग है उसकी त्रिज्या मान लो कितनी है? स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर तो पूरी चकती की त्रिज्या है, लेकिन ऐसी जो रिंग्स हैं वो तो कैपिटल आर त्रिज्या की नहीं होंगी। तो जो चकती छोटी सी चकती है उसकी चौड़ाई मान लीजिए कितनी है? डी आर। त्रिज्या वहां तक की है स्मॉल आर। तो उसके हिसाब से ये आपके पास में एक छोटी सी रिंग आ गई है, एक छोटा सा वलय आ गया है जिसमें कुछ आवेश है डी क्यू। इस छोटे से वलय का डी क्यू आवेश कैसे प्रदर्शित होगा? लैम्डा इंटू डी ए से, क्योंकि असमान वितरण हो रहा है यहां भी। जैसे जैसे स्मॉल आर का मान परिवर्तित करोगे वैसे वैसे आवेश का मान भी, आवेश का वितरण भी परिवर्तित होता जाएगा। अब इस छोटे से वलय को अगर तोड़ दें, इस रिंग को तोड़ दें और तोड़ के इस रिंग को ऐसे खोल दें, तो कुछ ऐसा चित्र बनेगा जो यहां आप देख पाए। यानी रिंग को तोड़ा और ऐसे खोला तो लगभग लगभग एक आयताकार बन गया जिसकी लंबाई कितनी है? 2πr। चौड़ाई कितनी है? dr। तो इस छोटे से आयताकार की या छोटे से वलय का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2πr इंटू डी आर, लंबाई गुना चौड़ाई, इस तरह से। तो ये अपना डी ए का वैल्यू हो गया। आप जानते हैं अब क्या करना है। क्यू बराबर क्या होगा? समाकलन सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा का ये जो बड़ा सा वैल्यू दिया है वो लाके यहाँ सिग्मा में पुट कर देंगे। डी ए का जो मान अभी आपने ज्ञात किया है वो डी ए में पुट कर देंगे। बाकी तो फिर मैथमेटिक्स है, समाकलन जितना अच्छा आपको करना आता होगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट ये था, इसको आप ध्यान से लिख लें। सिग्मा का मान दिया था, छोटा एलिमेंट लिया, उसका क्षेत्रफल निकाला, असमान वितरण के लिए जो फॉर्मूला पीछे सीखा था वैल्यू पुट करी, और इसे लिखा हो तो मैं अगले स्टेप में आपको दिखा सकता हूँ कि समाकलन करने पे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आंसर ला सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए और आगे बढ़िए। ये देखिए, सिग्मा का मान ला के पुट कर दिया है और डी ए का मान भी ला के पुट कर दिया, सिग्मा का भी डी ए का भी। फिर ब्रैकेट ओपन करा, जो नियतांक थे वो बाहर ले लिए, 2π और सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लिया। स्मॉल आर जो है इस ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा स्मॉल आर, ऊपर वाले आर से मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर। आर का समाकलन आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर का समाकलन आर क्यूब बाय 3। यहाँ एक आर से एक आर कट के सॉल्व होके ये हमारा काम चलाने वाला आंसर आ गया। और ऑप्शन से मैच करवाना हो तो फिर ये तो बेसिक बात हो गई, ऑप्शन से मैच करवाना हो तो इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। तो ये तो बेसिक एलजेब्रा या इंटीग्रेशन की बातें हैं। कॉन्सेप्ट जो हमने देखा वो पीछे था, उसका हमें ध्यान रखना होगा। तो इसको भी आप नोट कर लें।
ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया इस प्रश्न का। तो देखो कितनी इजीली सब चीज़ें हो जा रही है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़िए, तीसरा और आखिरी आवेश वितरण है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण में क्या होगा, त्रिआयामी वस्तुओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्या हो गया, गोला बेलन आदि, ये सब एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ कुचालक गोला लिया गया जिसमें क्यू आवेश है, और लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व था क्यू बाय एल, सिग्मा क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व था क्यू बाय ए, अब यहाँ रो है आयतन आवेश घनत्व, ये हो जाएगा क्यू बटा वी यानी कि आयतन। तो यहाँ से अगर समान वितरण है तो क्यू का मान पहले की ही तरह रो इंटू वी से निकाल सकते हैं अगर समान वितरण है तो, और अगर असमान है तो आप जानते ही हैं फिर डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी होगा, फिर इसका समाकलन करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ सब बातें लिखी हैं, असमान वितरण के लिए छोटा एलिमेंट लेंगे समाकलन कर देंगे तो क्यू आ जाएगा। तो हमने लैम्डा और सिग्मा के सवाल कर ही लिए, तो क्यू भी आप जान ही रहे हैं कि क्या करना है, बेसिकली समाकलन करना है। अब मैं प्रश्न इसके ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप सेकेंड एक्सरसाइज में देखोगे तो केवल आवेश निकालने वाला कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो सेकेंड एक्सरसाइज में यानी कि पिछले वर्षों में आया हो। फिर हमने इसको पढ़ा क्यों है, क्योंकि अब जो हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अगले भाग में, कभी चाप का विद्युत क्षेत्र होगा कभी रेखा का होगा, तो वहां इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इनके बिना काम चलेगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट भी है पर इन पर खुद में प्रश्न आए ऐसी संभावना कम है। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, एक समान आवेशित निश्चित लंबाई के तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल मिला के हमारे मतलब की बात यह है कि एक निश्चित लंबाई का तार हमें दिया जाएगा, उस पर कुछ आवेश होगा जो कि एक समान रूप से फैलाया गया होगा। इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु होगा P बिंदु, उस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम जो इस तार का ऊपरी बिंदु है उसे जोड़ देंगे P के साथ किसी एक रेखा के द्वारा, इस प्रकार। ऐसे ही जो इसका नीचे वाला बिंदु है तार का उसे हम P बिंदु से जोड़ देंगे। जो कोण बनेंगे इसके कारण उनको कुछ नाम अपने हिसाब से हम देंगे, जैसे इस कोण का नाम रख दिया थीटा वन और इस कोण का नाम रख दिया थीटा टू। अब हमें क्या क्या बातें पता है, एक तो हमें रेखीय आवेश घनत्व पता है, r दूरी जो लंबवत दूरी है तार से P बिंदु की वो पता है, ऊपर और नीचे के जो कोण हैं थीटा वन थीटा टू वो हमें मालूम है। तो इस सब के कारण हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। एक तो हम x घटक ज्ञात करेंगे, एक y घटक ज्ञात करेंगे ऊपर या नीचे जिस भी दिशा में आए, और उनका जो तुल्य आएगा नेट वो भी हम ज्ञात करेंगे इस प्रकार से जैसा इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तो यहां देखिए तार है लैम्डा घनत्व r दूरी, एक लंबवत घटक है तार के लंबवत, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है जो घटक है उसका नाम रख दिया गया है E परपेंडिकुलर। ऐसे ही तार के समांतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का घटक है उसका नाम रख दिया गया है E समांतर। ठीक है जी, और अब जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन में जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि अब कोई एग्जाम में आपसे डेरिवेशन पूछेगा नहीं, तो डेरिवेशन हम केवल वो डिस्कस करेंगे जिससे हमें कुछ समझ में आए। मैथमेटिक्स समझने की चीज़ हमारे काम के लिए नहीं है, तो इसमें इंटीग्रेशन वगैरह ज़्यादा है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ और सीधा इसके रिजल्ट पे आ रहा हूँ। ये देखिए जो एक्स घटक है यानी लंबवत घटक जो है तार की लंबाई के लंबवत, उसके लिए ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, आपको सीधा याद रखना है। ऐसे ही तार की लंबाई के समांतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो विद्युत क्षेत्र आएगा, उसका ये सूत्र है समांतर का। और इन दोनों का जब आप सदिश योग करेंगे, देखिए E परपेंडिकुलर और E पैरेलल ये दोनों आपस में 90 डिग्री के कोण पर हैं, तो जो तुल्य क्षेत्र आएगा E नेट जो आपके पास आएगा वो कैसे आप ज्ञात करेंगे, E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर, और वो जो वैल्यू इनको सॉल्व करके रखने पर आएगी वो मैंने करके रखी है पहले से आपके लिए, वो ये आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको तीन फॉर्मूले याद करने हैं, तार की लंबाई के लंबवत विद्युत क्षेत्र का घटक निकालना हो
तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, समांतर निकालना हो तो ये, और तुल्य निकालना हो तो तीसरे नंबर का। अब बात आती है कि सर नेट फील्ड ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको समझना होगा। देखो, हम ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, इस चित्र के अंदर, कि ऊपर जो आवेश है वो कम होगा, क्योंकि आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। कम लंबाई पे कम आवेश होगा, अधिक लंबाई पे अधिक आवेश होगा। दूसरी बात, जिस पी बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, वहां आप एक परीक्षण आवेश रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, जो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनावेश होता है। अब देखो, यहां ऊपर कम आवेश है तो इसके कारण प्रतिकर्षण कम लगेगा, नीचे अधिक आवेश है तो इसके कारण ऊपर की ओर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। अधिक मान किसका होगा, अधिक परिमाण किसका होगा, ज्यादा आवेश की वजह से प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, इस वजह से तुल्य इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगी, विपरीत दिशा में, यानी ऊपर की ओर। तो जिस ओर तार की लंबाई अधिक है उसके विपरीत ओर, जैसे नीचे की ओर अधिक लंबाई है तो क्षेत्र ऊपर की ओर आएगा, अगर ऊपर की ओर अधिक लंबाई रही होती तो तुल्य क्षेत्र नीचे की ओर आता। ये बस एक कॉमन सेंस वाली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो फॉर्मूले हैं, इनको आप लिख लीजिए, चित्र को बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अगले प्रश्न में आपको ये सारी वैल्यूज पुट करके बताता हूं। तो आगे बढ़े, देखिए ये प्रश्न आ गया है, एक अनंत तथा एक अर्ध अनंत यानी इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट आगे क्या बोल रहा है, एक अनंत तथा एक अर्ध अनंत एक समान रूप से आवेशित तार के कारण किसी लंबवत दूरी पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी दो प्रश्न है एक्चुअली इसके अंदर, एक बार तो आपको अनंत लंबाई का तार लेना है, उससे r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, एक बार अर्ध अनंत यानी एक ओर तो उसकी लंबाई अनंत होगी और एक ओर लंबाई शून्य होगी। तो ये दो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, तो पहले केस और सेकंड केस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, प्रश्न आप लिख लेना। आगे बढ़ता हूं, ये देखिए पहला केस, एक समान आवेशित अनंत रेखीय तार। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस तार की लंबाई ऊपर भी अनंत तक है और नीचे भी अनंत तक है। ऐसे में जब आप कोण निकालेंगे थीटा वन थीटा टू, क्योंकि जो फॉर्मूले आपके पास में है उनमें कोण चाहिए होता है, तो कोण निकालने के लिए पहले यहां देखो, ऊपरी बिंदु कभी मिलेगा नहीं, अनंत पे है, कहां जाके मिलेगा, बहुत दूर जाके मिलेगा। यानी ऊपरी बिंदु को P से जोड़ने वाली रेखा भी ऐसी होगी कि हमको पता नहीं लगेगा कब जाके उससे मिलेगी, है ना। यानी तार और ऊपरी बिंदु को P से जोड़ने वाली रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई। यानी R के साथ जो कोण बना, थीटा वन कोण जो बना हमारे पास में, वो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। ऐसे ही नीचे की ओर जो कोण बनेगा वो भी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। फॉर्मूले आप याद करके जाओगे एग्जाम में, तो बताइए लंबवत जो घटक आया था उसका क्या सूत्र था, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये हमारे पास में सूत्र था लंबवत घटक का। थीटा वन थीटा टू इस प्रश्न के हिसाब से जितने हैं वो लाके यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट करिए तो कितना कितना आ रहा है, देखो 90 डिग्री साइन और यहाँ भी 90 डिग्री साइन, इसके अनुसार के लैम्डा बाय आर वन प्लस वन टू, यानी तार की लंबाई के जो लंबवत घटक है उसकी विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया, 2 के लैम्डा बाय आर, जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं। रही समांतर घटक की बात, तो समांतर घटक का भी पीछे हमने फॉर्मूला सीखा था, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब यहां क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री और दूसरा भी 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस कॉस 90, कुल मिलाकर के जो फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो। यानी जो लंबवत घटक है उसी से जो हमें वैल्यू मिल रही है लंबवत घटक से, वही हमारी तुल्य मान भी है। यानी ऐसे दो भागों में विभाजित कर लिया, तो जो लंबवत मान है वही नेट भी है, तुल्य भी है, और जो समांतर है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो
तो इस तरह से हमको प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अभी 90 90 डिग्री के कोण थे, हो सकता है वो कुछ और कोण दे दे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 37, 53, जितने भी डिग्री के कोण होंगे लंबवत या फिर आपको समांतर जो भी पूछा है फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। नेट पूछा होता तो नेट के फॉर्मूले में पुट कर देते, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो पहला भाग इसका हल हो चुका है, इसको आप लिख लेंगे। फिर जो दूसरा भाग है जिसमें अर्ध अनंत लंबाई का एक तार लिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो केस सेकंड, अर्ध अनंत तार। देखो एक ओर तो ये तार जा रहा है अनंत लंबाई तक, लेकिन दूसरी ओर ये जा ही नहीं रहा है, इसकी लंबाई जीरो है। ठीक है, जो पी पॉइंट को जोड़ने वाली तार से लंबवत दूरी है वो आर यहां मैंने नीले रंग की इस रेखा से दर्शा दी है, लेकिन साथ ही साथ जो आप थीटा वन या थीटा टू नीचे वाला कोण लेते हो वो कैसे लेते हो? तार का जो नीचे वाला अंत होता है, जो नीचे वाला बिंदु होता है, उसे पी बिंदु से आप जोड़ते हो। तो आप देख सकते हो ये दोनों रेखाएं जो है ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी आर और तार के नीचे वाले बिंदु को पी से जोड़ने वाली रेखाओं के बीच में जो कोण है वो कितना हो गया? जीरो डिग्री। तो एक कोण जीरो है, नाम कुछ भी रख दो थीटा वन थीटा टू, उससे केवल प्लस माइनस का फर्क पड़ता है। तो थीटा वन मान लीजिए मैंने जीरो ले लिया, और ऐसे ही आगे आप देखेंगे जो ऊपर वाला कोण है वो पहले की ही तरह कितना है? 90 डिग्री। यानी एक कोण 90 डिग्री, एक कोण जीरो डिग्री, हल करा तो अपने पास में के लैम्डा बाय आर आ गया। लंबवत घटक, कौन सा घटक? लंबवत, यानी कि ये वाला तार की लंबाई के जो लंबवत जा रहा है। ऐसे ही जो समांतर जाएगा, समांतर वाले में आप यहां वैल्यू पुट कर दोगे, वही एक कोण जीरो डिग्री, एक 90 डिग्री। अब यहां माइनस आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिशों में जो माइनस आता है वो केवल दिशा को ही प्रदर्शित करता है, परिमाण में माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो लो मतलब एक ही बात है, काम की बात ये निकल के आ रही है कि के लैम्डा बाय आर, और के लैम्डा बाय आर मतलब तार की लंबाई के लंबवत घटक के लैम्डा बाय आर है, और तार की लंबाई के समांतर घटक भी के लैम्डा बाय आर ही है, और दोनों 90 डिग्री पे हैं, बराबर परिमाण के हैं। तो नेट जो इनका आएगा, बराबर परिमाण के दो सदिश 90 डिग्री पे होते हैं, टेबल में क्या करते थे? रूट टू के लैम्डा बाय आर। ऐसे कर लो, नहीं तो तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला था तुल्य इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें आप थीटा वन थीटा टू के मान पुट करके देख लो, यही आएगा। तो अर्ध अनंत लंबाई के तार के लिए ये हमारे अंतिम परिणाम है, ये हमें ध्यान रख सकते हैं हम इसको एग्जाम में, ताकि डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हो, यूज कर सकते हो कहीं पे भी। रही तुल्य दिशा के, तुल्य विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात, तो वो 45 डिग्री पे आ जाएगी, क्योंकि ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल जो है, यानी ई लंबवत और ई समांतर, ये बराबर परिमाण के सदिश हैं, इसलिए जो नेट आएगा वो एकदम बीचों बीच 45 डिग्री पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्ध अनंत का तार, यानी दोनों भाग हमने इस प्रश्न के हल करके देख लिए। आगे बढ़ता हूं, अब यहां पे इन्होंने रिजल्ट भी दिखा रखा है, आप चाहें तो यहां से मैच कर सकते हैं, अपना आंसर इससे मैच हो रहा है। कोण के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया था, 45 डिग्री का कोण है। तो पहली सिचुएशन जो आपको यहां पर दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं दो लंबे समांतर रेखीय आवेशों के मध्य प्रति एकांक लंबाई बल आपको ज्ञात करना है। तो दो तार हैं, समांतर रखे हुए हैं, अनंत लंबाई के हैं, यानी कि ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो अनंत लंबाई के तारों के लिए विद्युत क्षेत्र मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कितना आता है, 2k λ/r, इस प्रकार से आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। अब उसी को उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? मान लीजिए किसी एक तार पर आप क्षेत्र निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरे नंबर तार के कारण पहले नंबर तार पर बल निकालता हूं, क्योंकि इसने बल की ही बात करी है। तो मैं इतने भाग को अगर देखूं तो यहां पे DL1 लंबाई का एक छोटा सा तार है, जिस पर लैम्डा 2 घनत्व वाले आवेश के कारण कुछ विद्युत क्षेत्र लगेगा E2, जो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। बल ज्ञात करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि छोटे से भाग पर जो छोटा सा बल लगेगा एक नंबर तार के ऊपर, उसमें आवेश तो इसका खुद का आ जाएगा DQ1,
और क्षेत्र आ जाएगा दूसरे तार के कारण यानी E2 के कारण। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो इक्वेशन हमने लिखी है वही यहां दिखा रखी है इस प्रकार से। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये जो डी क्यू है ये तो दिया नहीं था हमें, तो लैम्डा दिया है, तो आप जानते हैं लैम्डा को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एल, यानी कि डी क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। तो डी क्यू वन के स्थान पर लैम्डा वन इंटू डी एल वन लिख दिया गया है और ई टू इस सूत्र से ला करके हमने लिख दिया 2k लैम्डा बाय आर। ध्यान ये रखना कि जिस तार पर बल निकालोगे आवेश उसका रहेगा लेकिन विद्युत क्षेत्र दूसरे वाले का रहेगा, क्योंकि एक तार के लिए दूसरे तार का विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र की तरह काम करेगा, एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो डीएल है ये यहां पर से हटा देते हैं, ये अगले स्टेप में आएगा, ये डीएल अभी नहीं आएगा इंटीग्रेशन वाला, तो ये मैं हटा देता हूं। क्योंकि देखो अभी क्या हुआ है, अभी हमने छोटे से भाग पे ही बल निकाला है, अगर आप पूरे तार के लिए निकालेंगे तो फिर इसका समाकलन करेंगे। तो अगले स्टेप में मैंने समाकलन करके पूरे तार के लिए जो बल है वो ज्ञात कर दिया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में, प्रति एकांक लंबाई पे कितना बल लगेगा। तो कुल L1 लंबाई के तार पर जो बल लगा है उसे L1 में ही भाग दे दें, अगर L1 का ही भाग उसमें दे दें तो ये प्रति एकांक लंबाई का हमारे पास में बल आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं उल्टा करूं, अभी मैंने क्या किया एक नंबर तार पर दो नंबर तार का बल निकाला, अगर मैं उल्टा भी कर देता हूं यानी अगर मैं ये भाग देखता हूं और इस पे DF2 निकालता हूं तो DF2 आ जाएगा DQ2E1, और फिर आप इससे सॉल्व करेंगे तो भी आंसर लास्ट में यही आएगा, जो प्रति एकांक लंबाई बल है वो एक दूसरे पे क्या रहता है बराबर लगता है। तो हमने एक ही निकाल के आपको समझा दिया, आई थिंक बहुत आसान है। F बराबर QE लगाया, E का मान 2k λr लिखा, पूरे डीएल को इंटीग्रेट कर दिया एल लंबाई के लिए, और क्योंकि प्रति एकांक लंबाई पर बल चाहिए था एल का भाग दिया, एल कट गया, आंसर आया 2k λ1 λ2 r। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। यहां पर एक समान आवेशित वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले मैं समझा दूं हो क्या रहा है, एक वलय दिया जा रहा है, इस वलय के ऊपर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है, ऐसा करने के बाद इस वलय के अक्ष पर कोई पी बिंदु रखा है जहां पर हम प्लस का क्यू नॉट आवेश यानी कि परीक्षण आवेश रखेंगे, और वलय के आवेश के कारण उस क्यू नॉट पर परीक्षण आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र आ रहा है ये हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहां पर एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट, एक छोटा सा आवेश देखता हूं, डी क्यू मान लेता हूं, और ऐसा ही एक डी क्यू नीचे की ओर मान लेता हूं। इस डी क्यू के कारण यहां जो प्रतिकर्षण लगेगा वो होगा डी, और ऐसे ही इस डी क्यू के कारण भी यहां जो प्रतिकर्षण लगेगा वो होगा डीई। ये जो दोनों डीई वाले विद्युत क्षेत्र हैं इनमें मान लेते हैं यहां से थीटा और थीटा कोण बनता है, तो आप देखेंगे कि डीई के दो घटक होंगे, यहां भी आप इसे आगे बढ़ा दें तो ये कोण भी थीटा आएगा, तो यहां पे डीई साइन थीटा और नीचे भी डीई साइन थीटा, ये साइन थीटा वाले दोनों घटक कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो चित्र हमने बना के देखा और ये जो पहले से बना हुआ फेयर डायग्राम है इनमें भी आप देख सकते हो कि दोनों विद्युत क्षेत्रों के कारण साइन घटक कट कट जाएंगे, आपके पास केवल दो कॉस घटक बचेंगे। पर बात आती है हमने तो डी क्यू के दो एलिमेंट लिए, क्या दो ही है क्या यहाँ पे, नहीं, ऐसे डी क्यू कई सारे यहाँ पे फैले हुए हैं पूरे तार के ऊपर, है ना। तो जितने भी डी क्यू एलिमेंट हैं, जितने भी डी क्यू के छोटे छोटे आवेश हैं, सबके साइन घटक आपस में कट जाएंगे, केवल कौन से बचेंगे आपके पास में यहां पर जो कॉस घटक हैं, और सब डी क्यू की वजह से जितने भी कॉस के घटक बचेंगे उनके कारण तुल्य विद्युत क्षेत्र अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो फिर आप क्या कर लोगे, उसका समाकलन कर लोगे। ठीक है, समाकलन करते ही आपके पास में उत्तर आ जाएगा। तो ये डायग्राम से, इस डायग्राम को आप तुलना करके देख सकते हो कि कितनी आसान सी बात है, कोई ज्यादा घबराने जैसी बात नहीं है। लेकिन अब करना क्या होगा आपको, कॉस घटकों का आप समाकलन करेंगे,
तो समाकलन करने से आपके पास में तुल्य विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि वो कितना आ रहा है। वो फॉर्मूला एग्जाम में आपको ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं डायरेक्टली, ये हमने समाकलन कर लिया, देखिए कॉस वाले घटकों का समाकलन। डीई क्या था? एक डी क्यू के कारण जो डीई लगा था उसे बिंदु आवेश मानते हुए हम लिख सकते हैं के डी क्यू बाय, ये स्मॉल आर है तो क्या हो गया, स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान आप इस त्रिभुज से निकाल लो, तो कॉस थीटा देखिए कितना आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स बाई आर, ये एक्स बाई आर लिखा हुआ है। इसमें से जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, वो सारे बाहर ले लिए, केवल क्यू का समाकलन करना है, पूरी वलय के लिए करना है, रिंग के लिए करना है। तो यहां एक गोला बना देते हैं, और के एक्स और आर क्यूब तो नियत है, डी क्यू अगर इतने से भाग पर डी क्यू आवेश है तो पूरे वलय पर समाकलित करने के बाद में आवेश कितना आ जाएगा क्यू, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया एक प्रकार से। इसमें भी स्मॉल आर का जो मान है पाइथागोरस की प्रमेय से आप ज्ञात कर सकते हैं, इस त्रिभुज के अंदर ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वो स्मॉल आर के स्थान पे आप रखते हैं तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे के कुछ प्रश्नों तक इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी, तो इसको जरूर ध्यान रखें कि वलय के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो इस प्रकार से हल होगा, या ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली याद रख लें तो आपका काम आराम से हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ नोट हैं जो आपको स्पेशल केस की तरह ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है वलय के केंद्र पर, ये वलय हो गया, हम अक्ष पे थे, अक्ष पे एक्स दूरी पे थे, अगर एक्स जीरो कर दें यानी हम एक तरह से कहां आ गए, केंद्र पे आ गए वापस लौट के, तो अक्ष के केंद्र पर हम जब पहुंच गए एक्स जीरो हो गया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास में, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक्स का मान जैसे जीरो पुट करेंगे तो अक्ष के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अक्ष के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हमारा पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। ठीक है, वलय, वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ध्यान रखना है वलय के केंद्र पर। अगला पॉइंट, ई अधिकतम कब होगा? तो पीछे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने एक आवेश को दो भागों में विभाजित करके देखा था कि कहां पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र आता है, तो वैसे ही मैक्सिमम मिनिमम यहां भी करना है। विद्युत क्षेत्र का आपको अधिकतम मान निकालना है तो एक बार उसका अवकलन करके जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के और क्यू नियतांक हैं, अवकलन करेंगे आप तो ये नियतांक के और क्यू दूसरी ओर जाकर के शून्य हो जाएंगे, केवल ये भाग बच जाएगा। और इसका अवकलन आप करके देखिएगा, पी बाय क्यू के अवकलन के हिसाब से जब हल करेंगे तो हल करने पर ये वैल्यू आएगी, क्योंकि सिर्फ अवकलन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित कोई चीज नहीं है। तो मैंने अभी डायरेक्ट रिजल्ट आपके लिए यहां पर लिख दिया है कि केंद्र से आर बाय रूट टू दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र का जो मान मिलेगा वो अधिकतम मान होगा। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केस हमने देखे, वलय के केंद्र पर और कितनी दूरी पर, यानी आर बाय रूट टू दूरी पर हमको क्षेत्र का अधिकतम मान मिलेगा। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में जैसे यहां हमने वैल्यू निकाली है वैसे अब यहां बात होगी ग्राफ के बारे में। तो इस ग्राफ को समझने के लिए पहले इस तीसरे बिंदु को यहां छोड़ना होगा, हमें चौथे बिंदु पर जाना होगा, फिर हम वापस आके इस ग्राफ को समझ पाएंगे। देखिए, दूर अक्षीय बिंदु, दूर अक्षीय बिंदु का मतलब क्या है कि वलय के अक्ष पर, वलय की त्रिज्या कितनी है आर, इसके अक्ष पर केंद्र से एक्स दूरी पर आपका पी बिंदु है, जिसका आपने फॉर्मूला ज्ञात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, वापस से लिख देता हूं, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब यहां लिखा है दूर स्थित बिंदु है, यानी एक्स का मान आर के मान से बहुत ज्यादा अधिक है,
यानी जब ये डिनोमिनेटर वाला आप टर्म देखते हो ये वाला, तो इसमें आर एक्स से बहुत छोटा है, यानी हम आर स्क्वायर को लगभग लगभग एक्स स्क्वायर के सामने नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बचेगा, केवल एक्स का क्यूब बचेगा। तो देखो ये नीचे की जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरा टर्म है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, एक्स क्यूब आ गया। एक्स क्यूब जब आ गया तो एक्स से ये एक्स से कट गया, तो क्या बचा, के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूर स्थित बिंदु के लिए वलय एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। ठीक है जी, फिर आगे आ जाइए, अगला देखिए। जैसे दूर गए थे, अब पास स्थित किसी बिंदु की बात करते हैं। निकट अक्षीय बिंदु, यानी ये वलय है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, और इसके एकदम पास में x दूरी पर आपने p बिंदु ले लिया, और इस p बिंदु पर भी आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस बार आप देख सकते हैं x का मान बहुत कम है, r का मान बहुत ज्यादा है, यानी इस बार आप x के स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, और आप देख सकते हैं r क्यूब जो बचेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला था उसमें से एक्स को स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये रिलेशन आता है पास स्थित किसी बिंदु के लिए। अब इन दोनों ही वैल्यूओं से मैंने कहा था ग्राफ समझने में आसानी होगी, वो कैसे हो रही है देखो। आप ग्राफ को कैसे समझ सकते हैं, जो दूर वाले बिंदु थे उनके लिए हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहा था कि ई व्युत्क्रमानुपाती है एक्स स्क्वायर के। यानी अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो e और x के बीच का जो ग्राफ बनेगा, आप कह सकते हैं x का मान बढ़ता जाएगा, e का मान कम होता जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और पास स्थित निकट स्थित बिंदुओं की बात करें तो e और x एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी यहां x और e के बीच में सरल रेखा बन जाएगी। इन्हीं दोनों ग्राफों को कंबाइन करके पीछे बना रखा है, तो मैं यहां से पीछे तीसरे बिंदु की ओर बढ़ता हूं। देखिए ये रहा हमारा ग्राफ, तो आप देखते समझ जाएंगे r बाय रूट टू पे तो हमने देखा था अधिकतम मान आया था विद्युत क्षेत्र का, वलय के दाई ओर भी r बाय रूट टू पे अधिकतम मान है, और वलय के बाई ओर भी r बाय रूट टू दूरी पे अधिकतम मान है। आप सर कहेंगे कि ऊपर भी अधिकतम नीचे भी अधिकतम न्यूनतम क्या है फिर, देखो ये e सदिश है, e सदिश में दिशाओं को भी आपको ध्यान में रखना होगा। वलय के दाई ओर की विद्युत क्षेत्र अगर आपने धनात्मक ली है, पॉजिटिव ली है, तो वलय के बाई ओर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जस्ट विपरीत होगी उसके। यानी दाई ओर का ग्राफ अगर ऊपर बना है तो बाई ओर विपरीत दिशा होने के कारण वैसा का वैसा ग्राफ नीचे बनेगा। तो आप तो एक ओर का ग्राफ समझ लो, उसी का उल्टा नीचे यहां बनाना है। तो मैं दाई ओर का ग्राफ समझाता हूं। अब समझने के लिए आपने देख ही लिया था आगे के ग्राफ में, ये वापस देख लो कि दूर वाले बिंदुओं में क्षेत्र का मान क्या होता है, कम। अब इसके अंदर भी वही चीज आपको समझा देता हूं कि देखिए अधिकतम वाली वैल्यू से आप दूर जाते जाइए क्षेत्र का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही निकट वाले बिंदुओं पे क्या हो रहा था, निकट वाले बिंदुओं में हमने देखा समानुपाती था, यानी यहां भी ऐसा आप कह सकते हैं कि जब पास में स्थित किसी बिंदु की बात होगी तो सरल रेखा बनेगी। फिर जैसे जैसे अधिकतम मान की ओर आते जाओगे, ये अधिकतम मान अचीव करने के बाद वैल्यू लगातार फिर दूर में कम होती जाएगी, केंद्र पर जीरो होती है। तो सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं अभी अलग अलग, वो सब इस ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ई सदिश ना लेकर के केवल ई सदिश का परिमाण ले लूं तो इस ग्राफ में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। यानी यहाँ पे ई सदिश का परिमाण केवल लिया जाए तो दाई ओर जो परिमाण है वही बाईं ओर भी आ जाएगा, क्योंकि परिमाण का कोई चिन्ह नहीं होता है, परिमाण कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ में परिवर्तन आ जाएगा, सदिश पूछ रहे हैं या फिर परिमाण पूछ रहे हैं उसके हिसाब से। तो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे, ये ग्राफ आप बना लीजिएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक तो वलय के केंद्र पर क्षेत्र जीरो होता है, अधिकतम मान r बाय रूट टू दूरी पर मिलता है। ठीक है, ई एक्स वक्र हमने समझ लिया, उसको समझने के लिए हमने दूर स्थित अक्षीय बिंदु और पास स्थित अक्षीय बिंदु के क्षेत्र निकाले, इनको भी फॉर्मूलों के ही तरह आपको याद रखना होगा, किसी प्रश्न में उपयोग में आ सकता है। ठीक है, और अब आगे चौथे और पांचवें बिंदु के बाद सिक्स्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए दो डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों डायग्राम्स में अंतर ये है कि एक वलय पर तो धनावेश है प्लस का क्यू आवेश, और एक वलय पर ऋणावेश है नेगेटिव का क्यू आवेश।
इन दोनों वलयों में दो बिंदु लिए गए हैं, एक और P बिंदु और एक और Q बिंदु, यहां भी और नीचे वाले में भी। अब क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले मैं इस धनावेश वाले वलय की रिंग की बात करता हूं। देखो P बिंदु पे क्षेत्र निकालना है, सबसे पहले आप क्या रखोगे यहां पे, परीक्षण आवेश रखोगे। Q पे निकालना होगा तो Q पे परीक्षण आवेश रखोगे। ये वलय पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का Q नॉट भी धनावेश है, यानी वलय वाला पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज के पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो वलय का पॉजिटिव चार्ज हमारे परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। उस कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ई दाई ओर है, इसलिए यहां पे ऐसा एरो आप देख पा रहे थे। दूसरी साइड से करते हैं इसको। अब देखिए आप, इस वलय के कारण यहां रखा हुआ परीक्षण आवेश भी क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि इन पे भी समान प्रकृति के आवेश है। ठीक है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि चाहे दाई ओर का बिंदु हो चाहे बाई ओर का बिंदु हो, जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की वो अक्षीय बाहर की ओर है। अक्षीय बाहर की ओर का मतलब ये हो गया कि वलय से दूर की ओर अक्ष के अनुदिश दिशा रहेगी अगर वलय पे धनावेश। अब उल्टा केस लेके देखते हैं, नेगेटिव चार्ज का वलय या रिंग लेके देखते हैं। नेगेटिव चार्ज वाली रिंग पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका परीक्षण आवेश तो पॉजिटिव था, लेकिन वलय पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। तो ये वलय नेगेटिव चार्ज वाली परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो जाएगी। पहले बाहर था प्रतिकर्षण के कारण, अब आकर्षण की ओर, आकर्षण की वजह से भीतर की ओर दिशा इसमें आ जाएगी। दूसरी तरफ से भी देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हमारे यहाँ रखे हुए पॉजिटिव चार्ज को, परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा। यानी दोनों ही दिशाओं से ये बात समझ में आ गई है कि जो बल रहेगा या जो विद्युत क्षेत्र रहेगा उसकी दिशा नेगेटिव चार्ज की रिंग के लिए अक्षीय अंदर की ओर रहेगी आकर्षण के कारण। तो ये दिशाएं आवश्यक हैं, किसी किसी प्रश्न में दिशा भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप लिख लें। तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करके देख लिए इसके बारे में, जो अक्ष में हम वलय के ले सकते थे। अब चलिए इस प्रकार का एक प्रश्न करके देखते हैं, इस प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक वलय है जिसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र से अक्ष पर √3r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है P बिंदु। हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए एग्जाम के दिन। तो अक्षीय बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र कितना लगता है, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स के स्थान पर √3r वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का मान √3r, हमारे फॉर्मूले में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पुट कर दिया, हल किया, हमारे पास में आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों को ये रूट सॉल्व करना नहीं आता, वो मैं सिखा देता हूँ। देखो आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर की घात कितनी है, 3/2। अभी 3/2 की घात कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे r की घात 2 है और बाहर 1/2 है, तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा तो r क्यूब बाहर आ जाएगा, क्योंकि r की घात 3 ही बच जाएगी 2 और 2 कटने के बाद। लेकिन अब ये 4 का कैसे हल करेंगे, 4 का कैसे करना है, देखो 4 की घात 3/2 है ना, तो इसको अलग अलग लिख लो, एक बार 4 की घात 1/2 और फिर उसकी घात 3। 4 की घात 1/2 का मतलब हो गया रूट करना है आपको, वर्गमूल रूट करना है। 4 का रूट हो गया 2, अब 2 की घात 3 बची तो कितना आ गया 8, तो इसलिए यहाँ पे 8 भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसको हल करते हैं, बाकी सब वैसे का वैसा है ही, एक आर से एक आर कटने के बाद ये आपका आंसर है, इसको आप लिख लें। ठीक है, फेयर वर्क काले रंग में लिखा है, ये केवल उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता था, ये करके बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, आर त्रिज्या की वलय पर क्यू एक समान रूप से वितरित है, क्यू आवेश है ना। अब यदि वलय से एक छोटा भाग डीएल लंबाई का हटा दिया जाए तो केंद्र पर
वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा तभी आप कर पाएंगे इसको। सबसे पहले समझिए, एक वलय था, वलय के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र अभी आपने पहले स्पेशल केस में ज्ञात करके देखा, जीरो होता है, ठीक, ये हम जानते हैं। अब क्या करा गया, इस वलय में से एक छोटा भाग हटा देंगे, ये वलय है, एक छोटा भाग इसमें से हटा दिया। अब बचे हुए वलय के कारण आपको केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वही चित्र जो हमने बनाया वो यहाँ पे उपलब्ध है। पूरे वलय के केंद्र पर क्षेत्र जीरो होता है, हम जानते हैं। लैम्डा का मान क्यू बटा लंबाई, वो भी लिख दिया इन्होंने, 2 पाई आर लंबाई थी पूरे वलय की। इसमें से ये छोटा सा भाग यहाँ से हटाएंगे तो क्षेत्र कितना आएगा, यहाँ भी एक तरह से प्रश्न को ही वापस समझाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये वो डीएल भाग है जिसको हटाया गया था और ये बचा हुआ भाग है। देखो, डीएल भाग को हटाने से पहले तो केंद्र पर शून्य क्षेत्र ही आ रहा था ना। डीएल भाग को हटाने से पहले केंद्र पे कितना क्षेत्र आ रहा था? शून्य। इसका मतलब ये हो गया कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग है, यानी बचा हुआ क्षेत्र जो है, उसका विद्युत क्षेत्र प्लस जो रिमूव कर दिया गया है, जो हटा दिया गया है, उसका विद्युत क्षेत्र, इन दोनों का योग पहले जीरो आ रहा था। यानी जब तक आपने उस भाग को नहीं हटाया था, केंद्र पर कितना क्षेत्र था? जीरो। देखो यहां लिखा है, संपूर्ण वलय के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो वही तो लिखा मैंने, ई रिमेनिंग बचे हुए भाग के कारण प्लस ई रिमूव्ड हटाए गए भाग के कारण, दोनों का योग कितना है? जीरो। अब अगर मैं इनमें से एक को दूसरी ओर ले जाऊं तो माइनस साइन आ जाएगा, जैसा यहां पे आप देख सकते हैं। ई रिमेनिंग बराबर माइनस ई रिमूव्ड, बचा हुआ विद्युत क्षेत्र सदिश बराबर है माइनस ऑफ हटाए हुए विद्युत क्षेत्र के सदिश के, लेकिन सदिश है इसलिए माइनस साइन है। अगर केवल परिमाण ले लें तो आप देख सकते हैं दोनों के परिमाण आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये माइनस क्या दिखा रहा है, दिशा ही तो दर्शा रहा है। अगर ये मैं सदिश रूप ही हटा दूं, केवल मैं इसका अदिश रूप लिखूं, तो माइनस हट जाएगा और मालूम चलेगा कि दोनों सदिशों के परिमाण आपस में एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना विद्युत क्षेत्र हटाए हुए भाग का है, उतना ही विद्युत क्षेत्र बचे हुए भाग का भी होगा। ठीक है जी। तो जब दोनों के विद्युत क्षेत्र बराबर हैं, कहने का मतलब हटाए हुए डीएल पर जो आवेश था डीक्यू, उसके कारण जितना केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है ना, बचे हुए क्यू के कारण भी केंद्र पे उतना ही होगा, बस दिशाएं विपरीत हैं, वो अलग बात है। तो दिशाओं से तो मेरे को मतलब ही नहीं है, हमसे तो वैल्यू पूछी गई है कि बताओ बचे हुए वलय के कारण केंद्र पे कितना क्षेत्र होगा। अभी अभी मालूम चला है कि बचे हुए क्षेत्र के मान और हटाए गए क्षेत्र के मान बराबर हैं, तो बचा हुआ भाग बड़ा है, हटाया हुआ भाग छोटा है, बताइए कौन सा विद्युत क्षेत्र आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो जो हटाया है वो कम आवेश है, उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस डीएल लंबाई के आवेश का मान डीक्यू मान लेते हैं। इस डीएल लंबाई के भाग पर आवेश कितना मान लेते हैं? डीक्यू। इसे लगभग लगभग एक बिंदु आवेश माने तो इस छोटे से भाग के कारण विद्युत क्षेत्र आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर के हिसाब से, इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये वो विद्युत क्षेत्र है जो हटाए हुए भाग के कारण है, लेकिन हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है? बचे हुए भाग के विद्युत क्षेत्र के बराबर है। तो एक ही बात है, आप दोनों में से किसी भी एक को निकाल सकते हो। और हल करने के लिए डी क्यू को क्या लिख दोगे आप? पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा था कि लैम्डा बराबर क्यू बाय आर, या छोटे भाग के लिए देखते हो तो लैम्डा बराबर डी क्यू बाय डी एल, तो डी क्यू के स्थान पर हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल, और नीचे आर स्क्वायर वैसे का वैसा। और लैम्डा का मान पीछे आपने ज्ञात किया था, ये देखिए लैम्डा बराबर क्यू बटा 2 पाई आर, तो यहां मैंने लैम्डा को क्यू बाय 2 पाई आर लिख दिया। देखो सब कुछ वैसा का वैसा है, पहले बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगाया छोटे से भाग के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर
क्यू को लैम्डा डी एल जैसे मैंने वहां लिखा है वो सेम टू सेम यहाँ लिख दिया। अब लैम्डा का मान क्यू बटा टू पाई आर पीछे देखा था वो यहाँ लाके पुट कर दिया। सब कुछ हल करने के बाद में ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन छोटे से भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वही इस बड़े भाग के भी बराबर है, केवल दिशाएं इनकी विपरीत हैं, परिमाण दोनों क्षेत्रों के आपस में एक समान हैं। तो इसे बहुत ध्यान से आप लिख लें और अपने दिमाग में बैठा लें कि क्या इसमें किया गया। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए अगला जो आकार है, अगली जो आकृति है, उसमें बात हो रही है एक समान आवेशित चाप के कारण वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो पूरा डायग्राम है, अगर मैं बना के दिखाऊं तो हमें दिया ये गया था कि क्यू आवेश की एक चाप है, इस पर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व भी एक समान है, यानी आवेश को पूरी लंबाई में एक समान रूप से वितरित किया गया है। फिर इसके बाद केंद्र से या केंद्र पर माने कि आर त्रिज्या पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या दिया जाएगा प्रश्न के अंदर? सबसे पहले तो हमें चाप जो बन रही है उसका कोण दिया जाएगा, मान लीजिए अल्फा कोण है। त्रिज्या हमें दी जाएगी, आवेश या फिर रेखीय आवेश घनत्व में से कोई एक वस्तु, कोई एक चीज हमें दी जाएगी, कोई एक वैल्यू दी जाएगी। तो हम क्या करें इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर ये पूरी चाप है जिसपे Q आवेश है, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। यहाँ छोटा सा हमने एक dQ ले लिया आवेश, जैसे वलय के अंदर लिया था। देखो वलय अगर समझ गए होंगे ना तो ये फटाफट समझ में आ जाएगा। वहां भी हमने एक ऊपर और एक नीचे dQ dQ लेके देखा था, साइन घटक कट गए थे। यहां भी एक dQ ऊपर लिया है, एक dQ आवेश नीचे लिया है, इनके कारण जो dE प्रतिकर्षण का क्षेत्र लगा और जो dE प्रतिकर्षण का क्षेत्र लगा किस पर, हमारे परीक्षण आवेश पर, उनमें आप पाएंगे कि यहां भी साइन घटक और साइन घटक आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। जो चाप का कुल कोण है वो अल्फा है, तो आधा कितना हो जाएगा, अल्फा बाय टू। और जो बीच में थीटा थीटा हमने लिए वो तो वेरिएबल है, थीटा की लिमिट जो रहेगी वो जीरो से लेके ऊपर देखेंगे तो अल्फा बाय टू और नीचे देखेंगे तो माइनस अल्फा बाय टू। देखो ये जीरो डिग्री माना है, कुल कोण अल्फा है, अगर यहां जीरो माना है तो अल्फा बाय टू आधा ऊपर रहेगा और आधा नीचे रहेगा, है ना। तो वो तो लिमिट खैर हम बाद में पुट करेंगे, अभी इतना समझ लो कि इस dQ और इस dQ के कारण जो दो क्षेत्र लग रहे थे उनके साइन घटक आपस में कट गए। कौन से बच गए, केवल कॉस घटक, यानी वलय की तरह यहां भी केवल कॉस घटकों का ही समाकलन होगा, साइन के घटक यहां भी कट जाएंगे। और अब मैं इसका जो डेरिवेशन है वो एक बार आपको दिखा देता हूं। वैसे तो कोई डेरिवेशन पूछेगा नहीं आपसे और कोई इतना काम का भी नहीं है, पर एक बार देख तो लेंगे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। और एक बिंदु यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जो ई नेट है या ई नॉट है, इसका नाम ई नॉट रख दिया, तो जो नेट विद्युत क्षेत्र है उसका जो कोण रहेगा या उसकी जो दिशा रहेगी वो कहाँ रहेगी, कोण विभाजक रेखा के अनुदिश, यानी पूरा अल्फा है तो अल्फा बाय टू कोण पे आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी। ये बात आगे आपको समझ में आ जाएगी जब हम प्रश्न करके देखेंगे। अभी आप ये चित्र बना दें, ये तो केवल समझने के लिए था, इसको हटा सकते हैं। और अगली स्लाइड में एक बार आप ये देख लें कि किस तरह से और क्या रिजल्ट हमारे पास में आता है। तो इसको आप ध्यान से लिख लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने के बाद ये डेरिवेशन आ गई। तो जैसा कि मैंने कहा था साइन घटक सारे कट गए थे, कॉस घटकों का समाकलन होगा, DE बिंदु आवेश DQ के कारण क्षेत्र है, cos थीटा को cos थीटा ही रहने देते हैं। आगे जब बढ़ेंगे इसमें तो आप देख सकते हैं पहले की ही तरह मैं DQ को क्या लिख दूंगा, लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL, क्योंकि लैम्डा बराबर DQ बाय DL है तो DQ हो जाएगा लैम्डा DL। एक तो ये समीकरण काम में आएगा, दूसरा आप जानते होंगे थीटा बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो अगर हम एक छोटे डी थीटा की बात करते हैं, छोटे कोण की, तो छोटी चाप की जो लंबाई है डीएल अपॉन त्रिज्या, यानी मैं डीएल के स्थान पर, ये जो डीएल आया ना ऊपर, इसके स्थान पर भी क्या लिख सकता हूं, आर इंटू डी थीटा। तो एक ये समीकरण काम में आएगा, सेकंड नंबर।
ये और एक ये दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे यूज करनी है। यूज कैसे करनी है मैं सिखाता हूं। देखो, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के क्यू बाय आर स्क्वायर आया कॉस थीटा, कॉस थीटा को रहने दिया। डी क्यू के स्थान पे पहले समीकरण से आपने लिखा लैम्डा इंटू डीएल और डीएल पर दूसरे समीकरण से लिख दिया आर डी थीटा। अभी आप वैसे देखेंगे ना, अगर इसके बाद यहां देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया अचानक से। तो यहां से यहां पर आने के बीच में ये सारा काम हुआ है, ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट लगा के यहां लिख दिया गया है, ये चीजें आई। अब देखो, डी थीटा वेरिएबल है, डी थीटा के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो थीटा वाली जो वैल्यू है वो अंदर रहेंगी, बाकी सारे नियतांक बाहर आ जाएंगे। समाकलन की लिमिट आपको समझा चुका हूं कि कुल कोण अल्फा है, तो अल्फा बाय टू नीचे है और अल्फा बाय टू ऊपर है, तो समाकलन की जो सीमाएं हैं, जो लिमिट है, माइनस अल्फा बाय टू से प्लस अल्फा बाय टू तक हम करेंगे। वो समाकलन करने के बाद कॉस थीटा का समाकलन हो गया, साइन थीटा लिमिट पुट करी आपने, तो सब कुछ पुट करने के बाद जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो ये है। देखो, नीट में कोई ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, समझ में आसानी से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप डायग्राम के बाद सीधा ये फॉर्मूला लिख लेना। बस ये ध्यान रख लेना कि ई नॉट की दिशा कोण विभाजक यानी एंगल बायसेक्टर के अनुदिश होगी, बाकी तो आप इसे लिखें या सीधा फॉर्मूला लिख लें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये जो अल्फा है ये चाप का कोण है, ठीक है, चाप का जो कुल कोण है। बाकी जब प्रश्न करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की बात है नहीं। तो इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ें और प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि एक चाप है जिसका कोण कितना दिया है, 180 डिग्री दिया है। कुल कोण 180 है यानी ये अल्फा का मान है। चाप का जो विद्युत क्षेत्र है उसका फॉर्मूला अभी अभी पीछे हमने सीखा था, कितना होता है, 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, या अल्फा नाम रखा था तो अल्फा चलने दो, जो भी नाम रखा है उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अल्फा बाय टू, अल्फा कितना है, 180 डिग्री, तो अल्फा बाय टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी वहां पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी होगी, 90 डिग्री पुट करनी है यहाँ पे, अल्फा बाय टू। साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो यही आंसर हो गया आपका 2 के लैम्डा बाय आर। पर लैम्डा दिया नहीं था, क्यू दिया था, तो आपको लैम्डा को परिवर्तित करना है क्यू में। लैम्डा क्या होता है, आवेश बटा लंबाई, आवेश कितना है, क्यू है, लंबाई कितनी है, पूरे वृत्त की लंबाई होती है 2 पाई आर, तो ये अर्धवृत्त है यानी कि पाई आर। ये वैल्यू लैम्डा की जगह आप वहां पे पुट कर देंगे। तो ये तो मैंने समझा दिया, अगर प्रॉपर सॉल्यूशन देखें तो ये चित्र जैसा हमने बनाया था, दिशा की हमने आपको बात पीछे सिखाई थी कि हमेशा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहती है वो कोण विभाजक के अनुदिश, यानी टोटल 180 डिग्री है तो उसके आधे कोण पर आपको नेट विद्युत क्षेत्र लेना होगा, ठीक है, आधे पर, 90 डिग्री पर। फिर आगे बढ़ेंगे, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा, लैम्डा बराबर क्यू बटा पाई आर, ये मैंने बताई दिया आपको यहां पर। फिर और आगे बढ़ेंगे, स्टेप 2, स्टेप 2 में जो कोण हमने निकाल के आपको बताए थे वही कोण दिए हैं, लेकिन डिग्री की जगह रेडियन में दिए हैं। इसका मतलब ये हो गया, कुल कोण 180 डिग्री को लिख दिया पाई, और आधा किया तो कितना हो गया, पाई बटा दो। और फिर जो फॉर्मूला हमने सीखा है 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, उसमें ये अल्फा बाय टू की ऊपर से वैल्यू लाके पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। लैम्डा का मान पुट कर दिया यहाँ पे, और के को नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो इस 2 से वो 2 4 वाला कटेगा, तो इतना बच जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। मेनली ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक तो फॉर्मूला, एक लैम्डा से क्यू को लाना, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, और दिशा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज था, धनावेश था, धनावेश था, इस कारण से जो दिशा है वो प्रतिकर्षण की दिशा है। यहां आपने परीक्षण आवेश रख दिया, चाप पे कैसा आवेश है, वो पॉजिटिव है, परीक्षण आवेश भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो कोण विभाजक रेखा के अनुदिश भी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वह प्रतिकर्षण की दिशा होगी, ना कि आकर्षण की, ये ध्यान रखना।
इसी चाप पर पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो फिर दिशा आकर्षण की बन जाएगी, जैसा अगले प्रश्न में करके बताऊंगा। तो पहले आप इसे लिख लेना, फिर हम आगे देख लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव आवेश है, तो यहां आप देख सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश 90 डिग्री वाले एक चाप पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, प्रश्न में सब दिया रहेगा एग्जाम में, अभी आप ऐसे लिख दीजिए एक समान वितरण हुआ है इसके अंदर भी और पिछले प्रश्न के अंदर भी। फिर जो कोण विभाजक रेखा है उसकी अनुदिश विद्युत क्षेत्र आएगा तो जरूर, लेकिन क्योंकि परीक्षण आवेश पॉजिटिव है और दिया गया आवेश नेगेटिव है, इसलिए दिशा जो होगी वो आकर्षण की दिशा होगी इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, अल्फा यहां कितना है 90 डिग्री, तो अल्फा बाय टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और उसको फिर उसी फॉर्मूले में पहले की तरह पुट करोगे तो एक तो जो दिशा हमने बनाई वो यहाँ पे दोबारा दिखा रखी है, और जो कैलकुलेशंस पिछली बार करी थी सेम टू सेम आप देख सकते हैं, सब वही हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें वैल्यू के अलावा। तो इस बार लैम्डा बराबर क्यू बटा एल जब आप लेंगे तो कुल सर्कल की लंबाई 2πr होती है, आधे सर्कल की पाई आर, ये उसका भी आधा है तो पाई आर बटा टू, ये दो ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, लैम्डा बराबर 2q बाय पाई आर। ये वैल्यू ला करके आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे लास्ट में, यहाँ जैसे कर रखा है। कोण मैंने आपको बता ही दिए, 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिख दिया यहाँ पे रेडियंस में, हल किया पहले की ही तरह, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको करना है, मेन वही बातें हैं, फॉर्मूला, कोण, लैम्डा का मान और दिशा, नेगेटिव आवेश आकर्षण, पॉजिटिव था तो प्रतिकर्षण हुआ था, तो इसको आप लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक, इसको तो आप नोट की तरह लिख देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, केवल एम्स में एक बार प्रश्न आ गया था तो हम लिख तो लेंगे इसको सेफ साइड, बाकी संभावना कम है, देखते हैं। एक समान आवेशित चकती के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। जहां पहले वलय रखा था, वलय पे कैसा आवेश था, रेखीय आवेश था, अब क्या है चकती है, चकती पे कैसा आवेश है, पृष्ठीय आवेश है, यानी इसके पूरे क्षेत्रफल में एक धनावेश को वितरित किया गया है जिसका घनत्व है सिग्मा, सिग्मा होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब हमें इस चकती से x दूरी पर अक्ष पे पता करना है कि कितना क्षेत्र होगा। जो चकती का एक बिंदु है वो P के साथ अगर जोड़ते हैं तो इस x के संग उसका कोण कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको केवल ध्यान रखना है, डिस्क का, चकती का ये फॉर्मूला है। ठीक है, डेरिवेशन में हम इसके नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें सिर्फ समाकलन है, सीखने जैसा कुछ उसमें है नहीं, तो आने की संभावना भी कम है, इसलिए आप केवल इस डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में ले लो, और जो भी 45 डिग्री 60 डिग्री कोण आपको दिया जाएगा वो लाके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एक चकती के कारण P बिंदु पर क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ भी डेरिवेशन तो हमने नहीं करी, बट अगर आप देखना चाहें तो जो भी क्षेत्र की दिशा आएगी अलग अलग DQ DQ के कारण, छोटे छोटे आवेशों के कारण, सबके साइन घटक कट जाएंगे और जो तुल्य विद्युत क्षेत्र दिखा रखा है EP वो चकती के तल से यानी डिस्क के प्लेन से लंब बताएगा। ठीक है, जो चकती के प्लेन के समांतर वाले घटक हैं वो सारे कट जाएंगे, लंबवत वाले ही बच जाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो केवल लिख लेना, बाय चांस कहीं आ जाए तो ये फॉर्मूला उपयोग करोगे, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो।